तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग 2 अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ वो लोग थे जो अपने बल के दम पर छीनना चाहते थे, तो वही कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब आम तौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी इतिहास के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 को आज़ाद हो सका था। महात्मा गांधी की जयंती, जिसे गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि यह उनका जन्मदिन होता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात भारत में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली बाई गांधी था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय के मूल मूल्यों पर आधारित आपसी समरसता और आत्मनिर्भरता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन भारतीय सरकार और समाज उनके महान योगदान को याद करते हैं और उनके आदर्शों को प्रमोट करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस दिन भारत में कई आयोजन आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सभी श्रेष्ठी रूप में गांधी जी की पुस्तकों के पाठन, सेमिनार और सामाजिक कार्य। दुखद तौर पर महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा दिल्ली में गोली मार कर हुई थी। महात्मा गांधी की विचारधारा और योगदान आज भी याद किए जाते हैं और उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। गांधी जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसका उद्देश्य गांधी जी के विचारों को याद करना और उनके मूल्यों को आज के समय में जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी बातें महात्मा गांधी जी के बारे में। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।